नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करना चाह रही थी उन 5 स्टार्स पे जो हम लोगों को देते हैं। अक्सर आप जब कैब में जाते होंगे या कभी कोई आप ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी तरफ से आता है कि आप हमें स्टार्स दीजिए, फिर आप अपना रिव्यू देते हैं कि हम कैसे 5 स्टार्स दे रहे हैं या 4 स्टार्स दे रहे हैं या 3 स्टार्स दे रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि वो लोग भी आपको स्टार्स देते हैं। जब मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि जब आप कैब में कभी कभार आप बुक करते हो और आपको डिनाई हो जाता है, 2-3 बार डिनाई हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि कभी कभी हम रूड हो जाते हैं या हम बहुत लेट हो जाते हैं उन तक पहुंचने में, या हम उनको सही समय पे पेमेंट नहीं कर रहे होते, या जो भी है स्टार्स वो भी हमें देते हैं, इसलिए हमारे साथ वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो हमें सिर्फ ये गुमान ना हो कि हम लोगों को स्टार्स दे रहे हैं और हम बड़ी भारी कोई चीज़ हैं, वो लोग भी आपको स्टार्स देते हैं। और कुछ लोग शायद ऐप पे ना देते हो पर मन में बहुत स्टार्स देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ हेल्पर्स हैं, आप कैसे उन्हें ट्रीट करते हो, वो पूरे मोहल्ले में जा के आपको स्टार्स देती हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। हम कभी सोचते नहीं है कि जब हमें किसी को कुछ देना होता है तो हमें बड़ा लगता है कि हम अपर हैंड हैं, अरे मैंने तो उसको फ्रूट्स दिए आज, मैंने तो उसको कपड़े दिए। हम लोगों को ये शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई हमसे कुछ लेके जा रहा है, हम किसी का ज़रिया बन रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हमने वो थोड़ा सा जो पक रहा था, सड़ा हुआ फल था, वो हमने हेल्पर को दे दिया, वो जाके बाहर आपको बहुत स्टार्स देते हैं। तो आज के बाद से जब खुद किसी को स्टार्स दे रहे हो ना, तो अपने बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हमें बाहर क्या स्टार्स मिल रहे होंगे। नमस्कार, थैंक यू, फिर मिलते हैं।